तो दोस्तों ये आपके सामने है, आज हम थे पहलगाम में और पहलगाम में कश्मीर में मुझे ये एक बिस्किट की फैक्ट्री दिखाई दी है और ये भैया आपके सामने ये देखो लाइव यहाँ पे बिस्किट बन रहे हैं। ये भैया तंदूर है जी सर। तो हाँ जी भैया तंदूरी बिस्किट नमकीन होते हैं। नमकीन जी सर। तो आप कौन कौन से बिस्किट बनाते हो? नमकीन मीठे सब तरह के। क्या प्राइस है भैया इस बिस्किट का आपके? 10 का होता है, 20 का होता है, 5 का होता है। 10 का, 20 का, 5। अच्छा फ्रेश बनाते हो आप डेली? हाँ। ये अभी अभी कौन से तैयार हो रहे हैं जो आप बना रहे हो? ये नमकीन वाले हैं। ये नमकीन वाले जी। और फ्लेवर कौन सा है ये? मतलब मीठा है, नमकीन है, नमकीन में कौन सा है? मतलब ये प्लेन वाला है या प्लेन वाला ही है? और ये सभी एक जैसे ही बन रहे हैं? अच्छा एक ही बनेगा। ये देखो भैया, ये तीन तीन भैया हैं और ये यहाँ पे बिस्किट तैयार कर रहे हैं और साथ में इन्होंने ये इधर काउंटर है, ये सेल करते हैं इधर से। और मुझे ये पहलगाम में ये दिखाई दी है और मैंने आपके सामने ये लेके आया हूँ कि लाइव बिस्किट कैसे तैयार किए जा रहे हैं तंदूर के अंदर। तो भैया कितने टाइम के लिए पकाते हो इनको? आधा घंटा लगाते हो? ओके। 5, 10, 20 का प्राइस रखते हो आप? हैं ठीक। ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर बिस्किट लगाए हुए हैं तंदूर के और ये पक रहे हैं। और ये भैया कह रहे हैं आधा घंटा लगता है इनको पकने में। और ये अंदर देखो खुद उसको चिपकाते हैं अंदर, जो भी इनका यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ये उसका मटेरियल। ये भैया ये बताओ ये किस चीज से बनते हैं ये वाले बिस्किट जो आप बना रहे हो? सिर्फ मैदे से? ओके, मतलब ये सब का मिक्सचर बना के आप फिर? पानी भी थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा अच्छा, आटा मिक्स भी आटे वाले भी बनाते हो? अच्छा खाली मैदा का जी। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि मैदे के बनते हैं सिर्फ और ये, लेकिन उसके अंदर जिस भी फ्लेवर के हिसाब से बिस्किट बनाना होता है तो उस हिसाब से जीरा और अदर जो भी इनको डालना होता है उसके अंदर। तो आप भाई आपस में भाई हो या वैसे? तो दोस्तों ये तीन भाई लोगों की दुकान है यहाँ पे बिस्किट तैयार करने की। और ये यहाँ पे ये आपके सामने देखो बिस्किट तैयार कर रहे हैं ये दोनों तंदूर के अंदर। ये बार बार तंदूर में जाते हैं। ये देखिए भाई तंदूर के अंदर गए, उसको सेट किया बिस्किट को और अब वो आधा घंटा के लिए कहते हैं उसको रख देंगे और फिर वो पक के तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कभी भी पहलगाम आए और कश्मीर में तो आप यहाँ पर आकर एक बार बिस्किट ट्राई कर सकते हैं और घर के लिए भी लेके जा सकते हैं। तो भैया ये कौन सा यहाँ पे पहलगाम में किस तरफ आना पड़ेगा अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो? न्यू बस स्टैंड के पास जी सर। न्यू बस स्टैंड के पास ही ये देखिए तीन भाई लोग हैं, इनकी यहाँ पे बिस्किट बनाने की फैक्ट्री सी है ये छोटी सी। और ये लाइव आपके सामने बनाते हैं और ये देखिए तैयार हो रहे हैं बिस्किट और यहाँ से आप खरीद के लेके जा सकते हैं। और मैंने अभी टेस्ट भी किया है तो टेस्ट भी अच्छा है इसका। तो इसी के साथ आप यहाँ पे आएँ और ये बिस्किट टेस्ट करके लेके जाएँ।